पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई चिंता उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रही। बड़े इत्मीनान से वो नोट लेकर एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि बड़ी तादाद में ये नोट अभी ही मार्केट में मौजूद नहीं है। और पिछले कई समय से इस तरह की प्रक्रिया, क्योंकि पिछले 3 सालों से तो ये नोट छापे ही नहीं जा रहे थे। कुछ और एटीएम के बाहर इस तरह की एजेंसीज की गाड़ियां खड़ी हुई है और ये एटीएम में पैसे लोड कराने आती है, लेकिन जब हमने बातचीत की है तो 2000 के नोट अब एटीएम में लोड नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि वो छप भी नहीं रहे और इसे अब मार्केट से सीधे हटा लिया जाएगा। लेकिन ये वापसी की तारीख आने वाले मंगलवार 23 तारीख से शुरू होगी और 30 सितंबर तक आप बदलवा सकते हैं। किस तरह की प्रक्रिया, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए। काले धन पर फिर बड़ा वॉर। आरबीआई ने बंद किए 2000 रुपए के नोट। बाजार में बंद, बैंक में चलेंगे। काले धन पर एक बार फिर केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। आरबीआई ने फिलहाल 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है। एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए कीमत के नोट ही बदले जाएंगे, लेकिन अकाउंट में इन नोटों को जमा करने पर लिमिट नहीं होगी। अब बैंक 2000 के नोट इश्यू नहीं करेंगे। बीजेपी इसे काले धन पर बड़ी चोट बता रही है कि हमने 2016 में लाया था, अब लगभग 6 साल हो गया, तो अब इन नोटों का प्रचलन बहुत कम हुआ है। जो पहले लगभग 30% था, ये घटकर 3-4% हो गया है। तो 2000 के नोट का प्रचलन बहुत कम हुआ है और बाकी नोट बाजार में उपलब्ध हैं, इसलिए इन नोटों को सितंबर के बाद से समाप्त किया जाएगा और तब तक आप बदल सकते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी कहा है कि ऐसा हम करते रहते हैं। देश के बड़े अर्थशास्त्री भी सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं और इसे अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत कदम बता रहे हैं। समय दिया है सभी पब्लिक को कि भाई आप इसको आज की डेट में बैंक में जाकर जमा करा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेसमैन एक्सेप्ट कर सकता है, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो एक तरह से ये डिमोनेटाइजेशन है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि 2016 में हुआ था। 2016 में इमीडिएट इफेक्ट से इसे लीगल टेंडर से बैन कर दिया गया था। आज की डेट में ये लीगल टेंडर रहेगा, यानी कि आप इसे बाजार में जाकर किसी दुकानदार को दे सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, होटल में जाकर खाना खा सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। सरकार के इस बड़े कदम को लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। लोगों की माने तो ये केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट है। जिसने भी काला धन जमा किया है उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। बंद होना ही चाहिए था, एक्चुअली गवर्नमेंट का पहले से ये प्लान था। इससे करप्शन जो है काफी हद तक मतलब रुकेगा, क्योंकि जो बड़े लेवल पे है इन लोग के पास है। तो मार्केट में कैसा रहता है, आरबीआई रेगुलेट करती रहती है कि नोट चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। हाँ। तो बहुत टाइम से आप भी देखोगे, हम भी देख रहे हैं कि 2000 का नोट दिख नहीं रहा था। तो बड़े स्तर पे जो लोग थे वो लोग 2000 का नोट अपने अपने लेवल पे लेके रखे हुए थे। अभी गवर्नमेंट का डिसीजन जो आया ना, बहुत एक नंबर का है, हम उसका फुल समर्थन करते हैं। 2016 नवंबर में नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर 2000 रुपए का नोट लाया गया था। इसके बाद आरबीआई ने साल 2018-19 में ही 2000 रुपए के नोट को छापना बंद कर दिया था। तो 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर होंगे, लेकिन ये कोई नोटबंदी नहीं है जैसे 2016 में हुई थी और तब 1500 के रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे और उसके बाद ही ये 2000 का नोट चलन में आया था। लेकिन अब पूरे इत्मीनान से लोग इसे लेकर बैंक पहुंच रहे हैं, या तो अकाउंट में जमा करवा रहे हैं या फिर इसे बदलवा रहे हैं। किस तरह से देश में इसे लेकर लोगों की प्रतिक्रिया है, हमारे साथ न्यूज 18 के संवाददाता लगातार देश के अलग अलग इलाकों से जुड़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में मौजूद है प्रियंका कांडपाल कनॉट प्लेस में, इसके अलावा मानव यादव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई में श्रेया दुबे हमारे सहयोगी मौजूद हैं, लखनऊ में अमित सिंह मौजूद हैं, भवानी सिंह जयपुर में मौजूद हैं और साथ ही साथ मनोज शर्मा भोपाल से मौजूद हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में क्या हाल है प्रियंका, जहां पर अब लोगों को ये खबर पता चली कि 2000 के नोट चलन से बाहर होने वाले हैं, कोई परेशानी या इत्मीनान से लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं?
देखिए जिस तरीके से हमने तस्वीरें सुबह से दर्शकों को दिखाई है, बैंकों के बाहर किसी तरीके का कुछ पैनिक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये उस तरीके का डिमोनेटाइजेशन नहीं है। अभी भी 2000 के नोट लीगल हैं और लोगों को इसकी जानकारी भी है कि वो 23 तारीख से इनको जमा करा सकते हैं, इनके बदले एक्सचेंज ले सकते हैं। आम लोगों से जब हम बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये नोट तो हमने 6 महीने से 1 साल से देखे ही नहीं है, तो हमें तो इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता। और जो लोग जिनको बैंकों की लाइन में लगना भी है, उनकी भी जो लाइन है वो माना जा रहा है कि 23 के बाद होगी। देखिए एक टेलर भैया भी यहाँ पर दिख रहे हैं, इनसे भी पूछ लेती हूँ। भैया 2000 के नोट अब जो है वो नए नहीं आएंगे, आपको परेशानी इस बात से, आपको लगता है कि लाइनें वाइने लगेंगी? देखो ये तो अपने पास, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम तो देखते ही नहीं। 2000 के नोट कब देखा था आखिरी बार? ये तो लगभग मुझे तो 5-6 साल हो गए। अच्छा, मतलब आपने देखा ही नहीं है अभी तो 5-6 साल, तो नोट को आए हुए भी नहीं, तो उन्होंने नोट ही नहीं देखा है। तो वही हम बात कर रहे हैं कि आम लोगों में, स्पेशली मिडिल क्लास, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत हम देख रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो लोग कैश रखना वैसे ही पसंद नहीं करते। और 2000 के नोटों को लेकर हमने जनरली लोगों से ये बात सुनी है कि वो मार्केट में उस नोट को नहीं देख रहे हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हुआ कम से कम आम लोगों पर तो नहीं दिख रहा है। जी प्रशांत, और राजधानी दिल्ली के लोग तो कुछ ऐसा ही रिएक्ट करते हैं, आर्थिक राजधानी मुंबई का भी रुख करते हैं, जहां पर बड़ी तादाद में लोग इस खबर को लेकर अपनी अपनी राय भी रख रहे हैं। श्रेया दुबे हमारी सहयोगी यहां पर मौजूद हैं। श्रेया, जब ये खबर पता चली कि 2000 के नोट अब चलन से बाहर होने वाले हैं, क्या कई हड़बड़ी मुंबई शहर में दिखाई दे रही है? क्या कहते हैं मुंबई कर? कि हमने मुंबई के हर एक कोने से जो है वो रिपोर्टिंग करके आपको दिखाई। हम दादर स्टेशन के बाहर थे, उसके बाद हम बैंक के बाहर भी थे, अब इसके बाद हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पे पहुंचे हैं, जहां पर मुंबई में काफी ज्यादा भीड़ होती है। तो यहां पर भी हम लोगों से बात करते हैं कि दादा 2000 का नोट आपके पास है? वो सब मेरे पास नहीं है। तो आप देख सकते हैं लोगों के पास 2000 का नोट नहीं है, वही यहाँ पर पैनिक जैसी कोई सिचुएशन जो है वो भी नजर नहीं आ रही। लोगों का कहना यही है कि सरकार ने जो भी कुछ फैसला लिया है वो काफी ज्यादा सही लिया है। वही जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, उनका कहना यह है कि उन्हें काफी महीने हो गए हैं कि उन्होंने 2000 की नोट जो है वो देखी भी नहीं है। दादा, आप में से किसी के पास 2000 और श्रेया, इसीलिए एक पूरी प्लानिंग के तहत इस तरह से अब इस 2000 के नोट को चलन से बाहर किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में तो इस तरह का रिएक्शन है लोगों का। लखनऊ चलते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और यहाँ किस तरह से अब बैंक लोग पहुंचने लगे हैं और पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत अब नोट बदलवा रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है, यही उनसे मिलकर जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी अमित सिंह ने। मैं इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के जियामऊ के पेट्रोल पंप पर, और मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहूंगा। देखिए 2000 के नोट ये आज सुबह से आए हैं, देखिए लगातार मैं यहां पर, देखिए ये सुबह से आज आए हैं 2000 के नोट, और जिस तरीके से कल अनाउंसमेंट हुआ है 2000 के नोट के बदली के का अनाउंसमेंट हुआ है। ये कितने नोट आए हैं 2000 के आपके पास? 2000 के हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नोट आए हैं सुबह। नोट आए, आप बताइए आपके पास 2000 के कितने नोट आए? 11-12 नोट आए हमारे पास भी सुबह से, ऐसे 1-2 आते थे, अब जब से कल मोदी जी ने बताया है तब से 11 नोट आए हैं। ये पर देखिए, ये 2000 के नोट हैं जो आज आम तौर